नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के खास प्रोग्राम रत्न सागर मैं फिर एक बार लेकर के हाजिर हूं। और रत्न सागर में जैसा कि कल हमने आपको बताया कि रत्न का क्या महत्व होता है, रत्न किसे कहते हैं और रत्न को कैसे प्रभाव डालता है रत्न राशियों पे, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर बात करेंगे रत्न से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे पंडित जी से, जो कि हमारे पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पंडित आचार्य सुनील शर्मा जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को रूबरू करवाइए हमारे रत्न से कुछ जुड़ी और बातों से। तो पंडित जी, दर्शकों से बताइए कि दर्शकों को रत्न के बारे में कुछ अनसुनी बातों को। पिछले प्रोग्राम में आपको रत्न के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया कि रत्न धारण करना क्यों आवश्यक है, कौन धारण कर सकता है, कैसे हम रत्न को पहचान सकते हैं, उसको कैसे परख सकते हैं और कितना वजन का नग हमें धारण करना चाहिए वगैरह वगैरह, इन सब की जानकारी हमने आपको पिछले प्रोग्राम में दी थी। आज मैं आपको विशेष तौर पर एक और जानकारी देना चाहता हूँ। दर्शकों, सभी लोग जानते हैं अपनी राशि के बारे में कि हमारी कौन सी राशि है, या जानने के उत्सुक रहते हैं कि हमारी कौन सी राशि है, और उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम अपनी राशि का नग पहने। तो राशि जान करके वो किसी के पास चले जाते हैं, किसी विक्रेता के पास चले गए या किसी और पंडित जी के पास चले गए। वहां उन्होंने अपनी राशि बोली कि जी मेरी ये अमुक राशि है, मुझे इसके लिए रत्न चाहिए। उस विक्रेता ने उसको रत्न दे दिया। रत्न लेने के बाद उन्होंने उसको अपनी अंगूठी बनवा करके या लॉकेट में जैसे भी है उसको धारण कर लिया। उसके बाद दर्शकों, थोड़े समय बाद उनको किसी अनहोनी का आभास हुआ, जैसे कि शारीरिक कोई परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, नौकरी में परेशानी, या कभी कभी किसी दुर्घटना का भी सामना करना हो जाता है। ऐसे में उनको यह ज्ञान नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब रत्न तो उन्होंने धारण कर लिया है, अब उनको यह नहीं मालूम कि इस रत्न का असर अच्छा होगा या बुरा होगा। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक समझाता हूं कि मान लीजिए किसी की धनु राशि है, धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों राशियों के गुरु होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जो सब कुछ देते हैं, सुख समृद्धि, धर्म बुद्धि सब कुछ उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। अब लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि कभी कभी हमारे जो सब कुछ देने वाले गुरु बृहस्पति हैं, वो मार्केश भी बन जाते हैं। इसलिए दर्शकों, जब भी कभी आपको कोई रत्न धारण करना हो तो आप अच्छी तरह से अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, किसी योग्य आचार्य के पास जाकर के अपनी कुंडली में किस जिस ग्रह के आप उपाय करना चाहते हैं उसकी क्या स्थिति है, उसकी शुभता में क्या कमी है, वह पूरी तरह से जानने के बाद ही रत्न को आप धारण करें, जो कि आपके लिए अति आवश्यक है। कभी भी नीच ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर कोई नीच व्यक्ति है, अगर आपने उसको और बल दे दिया, उसके हाथ में तलवार दे दी, तो वो क्या करेगा, उसमें नीचता और बढ़ जाएगी, वो और नुकसान करेगा, जो कि सबके लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार हम जो रत्न धारण करते हैं, वास्तविक तौर पर तो जो निर्बल ग्रह हैं, जो कमजोर ग्रह हैं, जिनसे हमें उसका उपयोग नहीं हो पा रहा हमारी कुंडली में, हमारे शरीर पर, हमारे व्यवसाय में हमें उसका अभाव लगता है, हम इसीलिए उसका उपाय करते हैं रत्न धारण करके। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब भी कोई आप रत्न धारण करें, पूर्ण रूप से अपनी कुंडली को अच्छे से दिखवा करके कि आपको रत्न धारण करने की आवश्यकता है या नहीं, यह आप सुनिश्चित कर रहे हैं अपने योग्य आचार्य से, उसके बाद ही रत्न धारण करें तो हित कर। तो पंडित जी, मैं यहाँ से आपको रोकना चाहूंगा। पंडित जी, अभी तक तो आपने दर्शकों को बताया कि रत्न कब और कैसे धारण करना चाहिए, अब लेकिन सवाल एक और बनता है, और वो सवाल ये है कि रत्न कब तक और कैसे पहने। तो
तो आप दर्शकों को ये भी बताइए कि रत्न को कब तक हम पहन सकते हैं? दर्शकों, कोई भी रत्न, जैसा कि हमने अध्ययन में किया है कि रत्न 3 साल तक ही पूर्णता फल देने में सक्षम होता है। इसमें केवल हीरा ही एक ऐसा रत्न है जो पूरे काल तक पहना जा सकता है और उसका पूरा फल हमें मिलता है। 3 साल के बाद हमें उस रत्न को बदल देना चाहिए। बदलने से तात्पर्य है कि किसी किसी रत्न की कीमत इतनी ज़्यादा होती है जो हर जातक के वश में नहीं होता कि वो हर 3 साल बाद रत्न को बदल सके। इसलिए यहाँ पर रत्न को उतार करके उसको दोबारा से शक्ति देनी होती है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि जो रत्न को आप दोबारा से शक्ति देना चाहते हैं उसको उसी वार के दिन उसकी होरा में विधि पूर्वक, जैसा कि पीछे मैंने विधि बताई आपको, अब जैसे पन्ना है सर, आपको पन्ना को करना है, दोबारा से एनर्जाइज करना है पन्ना को, तो बुधवार के दिन सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में उसी विधि से पूजा आदि करके और बुध के लिए मंत्र का जाप करते हुए 108 बार मंत्र का जाप करते हुए रत्न को एनर्जाइज करें, भगवान के चरणों से उसको लगा करके दोबारा से आप धारण कर सकते हैं। दर्शकों, रत्न आपको कभी किसी को देना नहीं चाहिए। यदि आपका वांछित कार्य हो गया है या दशा बदल गई है तो भी आप रत्न उतार सकते हैं, यह ऐसा माना गया है। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए, वो जानना चाहते हैं कि कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, तो दर्शकों को थोड़ा समझाइए जी। दर्शकों, माणिक मोती, मूंगा, पुखराज आदि ये जो 4 हमारे रत्न हैं, इनके साथ में नीलम तथा गोमेद का पहना जाना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि माणिक सूर्य से संबंध रखता है और नीलम शनि का रत्न है, तो सूर्य और शनि में तो कभी मित्रता होती नहीं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो मित्र ग्रह होते हैं आप उन्हीं का रत्न आपस में धारण कर सकते हैं, और जो विपरीत स्थिति वाले जो ग्रह हैं, जो जिनमें आपस में शत्रुता होती है, उनका रत्न धारण करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे हीरा, पन्ना और लहसुनिया के साथ अन्य कोई भी रत्न धारण करने में कोई दोष नहीं होता, लेकिन हीरे के साथ माणिक के मोती या पुखराज को अगर आप धारण करना चाहते हैं तो उसको परख करके ही धारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको परखने की प्रक्रिया पहले भी बताई थी पिछले कार्यक्रम में, कि आप उस रत्न को हाथ में बांध करके आप उसको परख सकते हैं कि आपको वह स्फूर्ति प्रदान कर रहा है या आलस्य दे रहा है या कोई घबराहट या मन में कोई ऐसा कोई विषय बन रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसा है कि किसी भी पत्थर को और या स्टोन को आप पहने तो परख करके ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पंडित जी, एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि दर्शकों को अभी तक आपने बताया कि रत्न को कैसे धारण करें, कब धारण करें, कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण करें, तो दर्शकों को अब जरा एक सवाल और बताइए कि दर्शकों को रत्न को कब उतार देना चाहिए और कैसे उतारना चाहिए, थोड़ा इसकी विधि समझाइए दर्शकों को। दर्शकों, आमतौर पर लोग किसी भी रत्न को उतारने के लिए कोई समय आदि का ध्यान नहीं रखते, ना इस चीज़ के बारे में वो जानते हैं कि हमें वो कैसे उतारना चाहिए या नहीं। मन में आया उतार करके रख दिया, जब मन में आया पहन लिया, ऐसे में उसका कोई भी कार्य आपको फायदा नहीं देगा। यह आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो रत्न आपने पहना हुआ है, चाहे वो सूर्य का रत्न है, चंद्रमा का है, मंगल से संबंधित है, बुध से या बृहस्पति से, अगर आप उसको उतारना चाहते हैं तो उसी दिन उसी वार को ही उतारना चाहिए और उसे उतार करके गंगा जल में उसको धो करके सुरक्षित स्थान पर आपको रख देना चाहिए एवं उसके बाद उस ग्रह की वस्तुओं। पंडित जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और दर्शकों को रूबरू करवाया रत्न के बारे में कि रत्न कैसे धारण कर सकते हैं, उनको कैसे पहन सकते हैं और कैसे उनको उतार सकते हैं और किस रत्न के साथ कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां रत्न से जुड़ी हमारे दर्शकों को आपने बताया। तो दोस्तों, देखा है आपने कि हमारे पंडित जी ने कैसे दर्शकों को बताया आप लोगों को कि रत्न कैसे, कब और क्यों धारण करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल का खास कार्यक्रम रत्न सागर। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम रत्न सागर को लेकर के। तब तक के लिए अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।